यार टायर पे डाल, टायर पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है फायर बर्नआउट के ऊपर, क्योंकि मेरे दोस्त का कॉल आता है कि भाई मेरे को बाइक का टायर चेंज कराना है। तो मैंने सोचा, दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना आज फायर बर्नआउट के ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। तो फटाक से पहुंचता हूं पेट्रोल लेने के लिए। ये खड़ा है झिंगुर सा, अभी देखो इसका इंडिकेटर टूट गया था भाई साहब, एक दिन गिर गए थे। फिर लेग गार्ड का भी काम हो चुका है, ये भी भाई ने तोड़ लिया था साथ में। अभी हम टायर लेके आए थे, वो हम शॉप पर रखा है, थोड़ा और बचा है इसको खत्म करते हैं, देखते हैं वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आए हैं बर्नआउट मारने के लिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा एकदम सेफ है, यहाँ से गाड़ी वगैरह ज्यादा नहीं है, कितना सुनसान इलाका है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और भाई काफी ज्यादा नर्वस है, बोल रहा है कि अगर यहाँ पे पूरा टायर खत्म हो गया तो हम लोग बाइक को शॉप तक कैसे लेके जाएंगे न्यू टायर डलवाने के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप ये किया कि जो टायर था ना उसका पूरी तरह पेट्रोल लगा दिया उसकी पूरी रिंग पे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ डाल दिया ताकि जब आग लगाए ना तो उसको आसानी हो। लेकिन यहाँ पे भाई एक प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि हमारा जो बंदा था वो भी थोड़ा डर रहा था, और उसके बाद जो उसमें आग लगा रहे थे तो वो उसमें आग पकड़ नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ रही थी। बस बस टायर पे डाल, टायर पे। सो गाइस, अभी टायर खत्म हो चुका है, जो कि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहली बार अभी ट्राई किया है बर्नआउट का फायर बर्नआउट, तो इसलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं हम लोगों ने। सो अभी थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे डस्ट फैला दिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काला कर दिया, मतलब टायर को ख़त्म कर दिया है। सो अभी इसको हमारा बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि अभी हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो अगली बार फिर आते हैं किसी नए टायर के साथ और मस्ती वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, हम लोगों की गलती वहाँ पे हो गई कि जो हम लोगों ने पहले ही टायर को ड्रिफ्ट कर दिया और उसके ऊपर भाई आग लग ही नहीं पाई, इसलिए भाई प्रॉब्लम हो गई। तो अगली बार फिर से देखते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। गाइस भाई ने भी देखो यार पक्का टैटू बनवाया है, काफी अच्छा लग रहा है, जैसी इसकी शक्ल है उस हिसाब से ठीक है। तो गाइस अभी टायर फिट हो चुका है, बहुत मस्त लग रही है भाई। बता देता हूँ कि हम लोग जितनी भी वीडियो शूट करते हैं ना यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन अड्डा है, मतलब मेन इलाका है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी वीडियो शूट करते हैं। सो यहाँ पे वीडियो बनाना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब और यहाँ पे आसपास ना इस प्लेस ऐसी है नहीं कि जहाँ पे शांति में हम लोग वीडियो बना सकें, सो ये बहुत ही अच्छी लगती है, सो हम लोग यहीं सारे वीडियोस बनाते हैं। सो फिर इसके बाद हम चले गए रील्स वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा रात हो गई क्योंकि हमको एक शॉट चाहिए था, और वो शॉट लेने के लिए हमको रात का वेट करना पड़ा था। फिर उसके बाद हम देन चाय पीने के लिए चले गए थे सारे फ्रेंड्स। हाँ, तो गाइस आज हम आए भाई चाय पीने के लिए, राजू भैया हमारा भाई मिल चुका था, और ये पहले ही लेके बैठ चुके हैं भाई हमारी चाय। गाइस यहाँ की बहुत फेमस चाय है, यहाँ पे बहुत सारे इन चाय पीने के लिए आते हैं क्योंकि ये भैया बहुत ही मस्त चाय बनाते हैं।